मेवात पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही राजस्थान में अवैध हथियार बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है। आपकी जानकारी बता दे कि अब्दुल गफ्फार जो कि अवैध हथियार सप्लाई किया करता था उसे नोह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं अब्दुल गफ्फार ने बताया कि राजस्थान में अवैध फैक्ट्री बनती है और अवैध फैक्ट्रियों से अवैध हथियार बना करके तैयार किए जाते हैं, उन हथियारों को उनका सप्लाई करने का काम है। दरअसल कठोर राजस्थान का रहने वाला अब्दुल गफ्फार उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया जब तावड़ू सीआईए टीम को एक जानकारी मिली कि अवैध हथियार सप्लाई करने वाला अब्दुल गफ्फार नाम का एक व्यक्ति अवैध हथियार सप्लाई जगह जगह कर रहा है। तो वहीं तावड़ू सीआईए ने नाकेबंदी की और अब्दुल गफ्फार को जमालगढ़ रोड पर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो पता चला कि राजस्थान में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं और इन फैक्ट्रियों का पर्दाफाश नोह पुलिस ने कर दिखाया है। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। जिला नोह पुलिस को अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। हथियारों की सप्लाई के आरोपित अब्दुल गफ्फार को 9 अवैध हथियार बनाने का सामान तथा मोटरसाइकिल सहित पुलिस ने काबू किया है। इससे पहले भी नोह पुलिस द्वारा राजस्थान से 2 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियों का पर्दाफाश कर हथियार कारतूस व हथियार बनाने का सामान बरामद किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक नोह वरुण सिंगला ने बताया कि उप निरीक्षक पवन कुमार सीआईए तावड़ू के नेतृत्व में गठित टीम को गुप्त सूचना मिली कि कठोर राजस्थान का रहने वाला अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल मजीद अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर खेड़ली नानुका से जमालगढ़ वाले रास्ते होते हुए पुनहाना में अवैध हथियार सप्लाई करने के लिए जाने वाला है। पुलिस की टीम ने जमालगढ़ गांव में खेड़ली नानू के रास्ते पर नाकाबंदी कर आरोपी को मोटरसाइकिल सहित काबू किया। चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अब्दुल गफ्फार बताया। उसकी पीठ पर बैग को चेक किया तो बैग के अंदर 5 कट्टे बरामद हुए जिनको सीआईए पुलिस की टीम ने अपने कब्जे में लिया। इस संबंध में थाना पुनहाना में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार करके गहनता से पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपी अब्दुल गफ्फार की निशानदेही पर गांव झुप्पा थाना जेवर अलीगढ़ में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। फैक्ट्री में एक कट्टा, एक पौना, एक पिस्टल, एक अधूरा बना हुआ कट्टा वे अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी में जुट गई है। हथियार सप्लाई के आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है ताकि अन्य ठिकानों पर पुलिस की जाँच पहुँच सके। इस ग्रोह में शामिल अन्य आरोपियों को भी दबोचा जा सके। जी बिल्कुल, नूह पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जिसमें कल शाम को हमारे को जो सूचना गुप्त सूचना के आधार पर एक अब्दुल गफ्फार नाम का आरोपी था जिसको ये सूचना मिलने पर कि वो अवैध हथियारों के साथ हमारे एरिया में एंटर कर रहा है तो जमालगढ़ के नज़दीक उसको नाकाबंदी करके हमारी सीआईए ताबड़ू की टीम के द्वारा पकड़ा गया और उसके पास से हमें 5 देसी अवैध कट्टे बरामद हुए। उसके बाद उससे त्वरित तौर पर पूछताछ अमल में लाई गई और मुकदमा दर्ज किया गया। जो पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो एक अवैध हथियार बनाने का मिस्त्री के रूप में काम करता है और जो है उसकी फैक्ट्री अलीगढ़ में पीएस जेवर के एरिया में गाँव झुप्पा में स्थित है। इस पर तुरंत हमारी टीम के द्वारा वहाँ पर रेड की गई और वहाँ से हमें भारी मात्रा में जो अवैध हथियार बनाने के लिए जो कच्चा सामान है और जो अवैध हथियार बनाने के जो औजार हैं एवं वहाँ से हमें एक देसी कट्टा, एक पोना और एक अवैध देसी के कट्टा और एक अधूरा बना हुआ जो वेपन है वो हमें वहाँ से बरामद हुआ। तो कुल हमें इसमें 10 हथियार, 9 कंप्लीट और एक अधूरा बरामद हुआ, साथ साथ भारी मात्रा में कच्चा सामान एवं औजार बरामद हुए हैं। आरोपी को आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा एवं पुलिस रिमांड की डिमांड की जाएगी ताकि हम और गहनता से पता लगा सकें कि यह फैक्ट्री किसके इशारों पर चल रही थी और इसमें और कौन कौन लोग संलिप्त हैं और उन पर उनकी धरपकड़ भी शीघ्र ही की जाएगी। देखिए अभी कुछ नाम सामने आए हैं और यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इसमें जो इस फैक्ट्री को चलाने में और कौन कौन संलिप्त हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आरोपी का क्या नाम है सर, कब से ये इस काम में जो है वारदात को अंजाम दे रहा था? आरोपी का नाम है जी अब्दुल गफ्फार, सन ऑफ मजीद,
ये कठोल गांव का रहने वाला है, जो कि पीएस पहाड़ी, जिला भरतपुर का है। आगे की क्या कार्रवाई सर? आगे इसमें जो अन्य आरोपी संलिप्त हैं उसके विषय में बात की जाएगी, एवं ये कब से इस कार्य में संलिप्त है इस विषय में इसे डिटेल में बातचीत की जाएगी।